लिपुलेख, लिम्पी अधूरा और काला पानी। 100 रुपए के नए नोट में नेपाल ने शामिल किए भारत के ये इलाके। सूचना और संचार मंत्री रेखा शर्मा ने कहा, कैबिनेट ने 25 अप्रैल और 2 मई को हुई कैबिनेट बैठकों के दौरान 100 रुपए के बैंक नोट को फिर से डिजाइन करने और बैंक नोट के बैकग्राउंड में छपे पुराने मैप को बदलने की मंजूरी दे दी। नेपाल ने शुक्रवार को मैप के साथ 100 रुपए के नए नोट छापने का ऐलान किया। इन नोटों में भारत के इलाकों लिपुलेख, लिम्पी अधूरा और काला पानी को दिखाया गया है। एजेंसी के मुताबिक सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट फैसले की जानकारी हुए बताया कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नेपाल का नया नक्शा छापने का फैसला लिया गया, जिसमें लिपुलेख, लिम्पी अधूरा और काला पानी को 100 रुपए के बैंक नोटों में शामिल किया गया है। सूचना और संचार मंत्री रेखा शर्मा ने कहा, कैबिनेट ने 25 अप्रैल और 2 मई को हुई कैबिनेट बैठकों के दौरान 100 रुपए के बैंक नोट को फिर से डिजाइन करने और बैंक नोट के बैकग्राउंड में छपे पुराने मैप को बदलने की मंजूरी दे दी। 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, काला पानी और लिम्पी अधूरा को शामिल करके देश के राजनीतिक मैप को अपडेट करने का प्रोसेस पूरा किया। इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे एकतरफा कार्यवाही कहा।